इन्होंने बहुत गलत किया। भले ही हम हार जाते पर इन्हें इस हालत में मांडा को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। कत्सुयु, तुम इस लड़के को इसी वक्त शिज़ुने के पास लेकर जाओ। जी माय लेडी, अभी ले जाती हूँ। हो गया, मैं तैयार हूँ। शिज़ुने, इस लड़के का ध्यान रखना। नारुतो, अब से लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली है। तुम्हें इस लड़के को मेरे क्लोन के साथ किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा, जहाँ इसे कोई हानि ना हो। ये लेडी सुनारे की इच्छा है। लेडी सुनारे? मैं तुझे गुब्बारे की तरह फोड़ डालूंगा, बदबूदार मेंढक। मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे हमेशा से एक स्नेक स्किन वॉलेट चाहिए था। ओरोचिमारू, तुम अब हम में से एक कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हारी बुराई का अंत आज होकर रहेगा। तुम में से एक? गजब बेइज्जती है। इसके बाद अब सिर्फ दो ही सानिन बचेंगे। चलो ऑयल रिलीज कराओ। हाँ ठीक है। फायर स्टाइल, डोंट फ्लेम बॉम्ब्स। काम बन गया। क्या सच में? नहीं, वो भाग गया। हमला होते ही उसने अपनी स्किन यहीं छोड़ दी। बुंजा, वो नीचे से आ रहे हैं। हाँ, इतना मैं भी समझ गया। ये तो उसकी पूंछ है। इनसे लड़ना क्या कम मुश्किल था, जो दूसरा आ गया। सुना दे। मैं हमेशा सोचता था कि तुम्हें खत्म करना कैसा रहेगा। सुना दे, मेरा चक्र, मैं इससे निकल नहीं पा रही। तुम कहती हो कि तुम्हें एक बार से कभी हराया नहीं जा सकता, पर क्या होगा अगर मैं तुम्हें रीजनरेट होने का मौका ही ना दूं? मेरे अंदर बहुत कम ताकत बची है। पता नहीं और कितनी देर तक ये कर पाऊंगी। पर हार नहीं मान सकती। मुझे अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। ये नहीं हो सकता। अभी तो मैंने बस शुरू ही किया है। क्या
नहीं लेडी सुनारे, प्लीज रुक जाइए, उनकी ताकत खत्म होने वाली है। इतना पिटने के बाद अब भी ये बेहोश नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? हर किसी की अपनी लिमिट होती है और तुम अलग थोड़ी हो। चुप रहो, रुकूंगी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। बस इस आखिरी हमले में मुझे अपनी पूरी जान लगानी होगी, सब कुछ दांव पर लगाना होगा। लौटो रोची, मारो। भाग कहां रहे हो? मुझसे बचकर नहीं जा सकते, यही रुक जा। मैं तब से इसे हमले पे हमले किए जा रही हूँ पर कोई असर ही नहीं हो रहा, आखिर ये अब तक होश में क्यों है? कोई बात नहीं, इससे काम बन जाएगा। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। क्या ताकत है, वो एक बार भी पीछे नहीं हटी। ये लड़ाई खत्म हुई। लाडरो जी मारो। इसकी वजह से मैं मुसीबत में फंस गया। तुम दोनों को तो मैं अभी निकल जाता, पर इस चोट की वजह से मैं हफ्तों तक कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। अगर हम दोबारा मिले तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। सुना दे, तो तुम मेरे हाथों को ठीक नहीं करोगी है ना? तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरे पास दूसरा रास्ता है। और मैं लीफ विलेज को तबाह करके रहूंगा, ये मेरा वादा है। मैं तुम सबके बीच दोबारा कब आऊंगा इसका पता तुम्हें चल ही जाएगा। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों। उसका चेहरा, तो ये किसी और की बॉडी इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए इससे लड़ते वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये अब पहले से बिल्कुल अलग है। जब मैं अपना इलाज ढूंढ लूंगा तब मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि अमर होना क्या होता है। हम जरूर मिलेंगे। रुको, टूटी मसलियां और टूटे पैर से मैं उसे क्या ही रोक पाऊंगा। जुत्सु के साइड इफेक्ट शुरू हो गए हैं और मेरी बॉडी पहले से पिचेन को होकागे बना दिया। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है नारुतो? बात क्या है? Come on, होकागे को एक अच्छा और समझदार इंसान होना चाहिए, जैसे हमारे दद्दू हुआ करते थे। पर ये तो लालची हैं और सबको तंग करती हैं, नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है, अकल तो बिल्कुल है ही नहीं इनमें। मेरी मानिए तो ये एक बहुत बड़ा काम है और उसे करना इनके बस की बात नहीं लगती मुझे। अच्छा, तो
लेडी सुनाडे, क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी? और ऊपर से ये 50 साल की आंटी है जो अपनी उम्र छुपाने के लिए जुत्सु यूज करती है। ऐसी आंटी को होकागे बना दिया तो गांव का कबाड़ा हो जाएगा। ये तो पूरा दिन बैठी बैठी बस गेम खेलती रहेंगी। एक बार फिर से लड़ना चाहते हो क्या मुझसे? ये नहीं सुधरेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये बहस पहले भी हो चुकी है। भले ही मैं किसी और की नजरों में परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अब मैं एक होकागे हूँ और मुझे तुम जैसे बेवकूफ बच्चे से लड़कर टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम्हारे लिए मेरी एक उंगली ही काफी है। इस बार ऐसा नहीं होगा ग्रैंडमा, और मुझे बच्चा बुलाना बंद कीजिए। अभी मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन देखना एक दिन मैं भी आपकी तरह होकागे बनूंगा। तुम एक दिन बहुत अच्छे निंजा बनोगे और एक महान होकागे भी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलो आप सब घर चलते हैं लीफ विलेज की ओर। अरे रुकिए, अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तो हंसने की क्या बात है, मैं तब से बेहोश था। अरे मुझे बहुत भूख लगी है। तुम ये देख रहे हो ना नवाकी जैन, तुम दोनों इस